हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स पंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में। आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पर ये देखने को मिल रहा है। अगर आप सारे ऑफर्स वगैरह लगा लेते हैं तो 12,228 रुपये की प्राइस रेंज में इसे परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि कार्ड कैसे अप्लाई होगा, कार्ड पर कितना डिस्काउंट है, साथ ही यहाँ पर अगर जिस प्राइस रेंज पे हमें ये मिल रहा है क्या इससे ज़्यादा ऑफर इसके ऊपर आने वाला है या ये सबसे बेस्ट प्राइस है, तो इस सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सभी सारी चीज़ें आपको मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं Realme 9 Pro Plus को, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जैसे सर्च करता हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट, यानी कि जो 6GB 128GB के साथ में आता है वो। अब नॉर्मली दोस्तों, आपने सेल से पहले देखा होगा तो इस स्मार्टफोन का प्राइस था 24,999 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये, और अभी ये आपको मिल रहा है 22,999 यानी कि 23,000 रुपये में। 2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल चुका है। और इसी के 8 128GB को अगर हम देखते हैं तो ये आपको करीब 27,000 का मिल रहा था, तो ये भी 25 पर आ चुका है। और यहाँ पर 8 256 वाला अगर हम देखें तो ये आपको 29,000 का मिल रहा था और ये भी आ चुका है अभी 27,000 रुपये। तो मतलब देखें हम तो तीनों ही वेरियंट पर आपको 2,000 रुपये का प्राइस डिस्काउंट तो अभी देखने को मिल रहा है। अब अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं बेस वेरियंट के ऊपर और यहाँ पर नीचे अपन ऑफर को चेक करते हैं कि ऑफर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17,999 रुपये की प्राइस रेंज में आप इसे परचेस कर सकते हैं। दो ऑफर और यहाँ पर लगाए गए हैं। पहले हम बात करें नीचे प्रीपेड ऑफर की, तो ये आपको मिल रहा है 3,000 रुपये का। और ये 3,000 रुपये का ऑफर ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर मिलेगा। इसमें आप किसी भी बैंक के कार्ड से, चाहे वो डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, प्रीपेड पेमेंट करते हैं, तो ये 3,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इससे ऊपर जो आपको ये 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ये मिलेगा आपको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। और इससे ऊपर जो 1,500 रुपये का डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम डिटेल पर क्लिक करते हैं तो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये का है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर भी 1,500 रुपये का है। और दोनों के डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 500 रुपये ये, 1,500 रुपये ये, यानी कि 2,000 और 3,000 यानी कि टोटल 5,000 रुपये का डिस्काउंट ये है। और 2,000 रुपये का प्राइस डिस्काउंट अगर अपन पकड़ ले तो टोटल हो गया इस पे 7,000 रुपये का डिस्काउंट, जो कि काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। तो अब ये सारा डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर प्राइस आ जाएगा 17,999 रुपये। अब दोस्तों, इसको 12,000 तक लाने के लिए आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना Realme XT स्मार्टफोन यहाँ पर ऐड किया हुआ और ये स्मार्टफोन है लगभग 3 साल पुराना। 2019 में मैंने इसे परचेस किया था, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था 19,000 का मैंने इसे परचेस किया था। हायर वेरियंट था 8 128GB वाला, तो उसको मैंने यहाँ पर लगाया है। अब 3 साल यूज़ करने के बाद में दोस्तों, स्मार्टफोन की जान निकल चुकी है। वैसे ही बैटरी लाइफ इसकी इतनी आ नहीं रही है, कैमरा वगैरह भी काफ़ी डिग्रेड हो चुके हैं, परफॉर्मेंस भी स्मार्टफोन की खत्म हो चुकी है। तो अब इसे अपने पास रखने का मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, इसे एक्सचेंज में दे देना ही ठीक होता है। मार्केट में मैं इसको लेकर के गया तो 4-5 हज़ार रुपये से कोई भी ज़्यादा कोई शॉप वाला देने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको एक्सचेंज पर लगाया और यहाँ पर अच्छी खासी मुझे यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रही है। और ऐसी ही सिचुएशन दोस्तों आपके साथ में भी हो रही होगी। आपके पास में जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी पुराना हो चुका होगा, तो अब उसको अपने पास में रखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन की लाइफ अगर हम देखें तो मैक्सिमम 3 साल के बाद में बहुत कम स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चल पाते हैं। बाकी सारे स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं। या तो आप उनकी बैटरी वगैरह चेंज कराओ तो 800-1,000 रुपये का खर्चा बैटरी चेंज करवाने का है, उसके बाद में भी वो कितना चलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक्सचेंज में दे देना ही ठीक होता है। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आपको ऐड करने के बाद में चेक प्राइस पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये IMEI मांगेगा, मैं यहाँ पर मैंने IMEI को कॉपी किया हुआ है, मैं पेस्ट कर देता हूँ और वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,800 रुपये का ये डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है और कंफर्म एक्सचेंज पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फाइनल पेमेंट पेज पर। और यहाँ पर देखेंगे आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड मैंने ऐड किया हुआ है और इस पर मुझे मिल रहा है 4,843 रुपये का डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को अप्लाई करने के बाद में ये स्मार्टफोन मुझे मिल रहा है यहाँ पर 12,445 रुपये में, Realme 9 Pro Plus का बेस वेरियंट। अभी दोस्तों, मैंने जब पिछली बार चेक किया तो यहाँ पर 12,228 रुपये आ रहे थे, अब ये 445 रुपये किस चीज़ का इन्होंने बढ़ाया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो 12,445 रुपये में इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है अगर आप इस प्राइस रेंज तक इसे ले लेते हैं तो। तो मैंने सारा प्रोसेस इसके अंदर आपको बता दिया हुआ है, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। और अब आने वाले टाइम में दोस्तों, मैं आपको अमेजोन पर आने वाले सभी डील्स के बारे में बताने वाला हूं। वहां पर भी कुछ ऑफर काफी शानदार निकल करके आए हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।